नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 21 तारीख से यानी मंगलवार से पितृ पक्ष शुरू होने वाला है। इस पितृ पक्ष में हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो इस समय में यानी पितृ पक्ष के समय में अपने पितरों का यानी अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करते हैं और उनका तर्पण करते हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि यही वो समय है जब आप अपनी कुंडली में विद्यमान जो पितृ दोष है उसका भी निवारण कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पूरे साल भर में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब अगर आप अपनी कुंडली में उपस्थित जो पितृ दोष है उसकी अगर शांति करते हैं, उसका अगर निवारण करना चाहते हैं तो ये समय सबसे अनुकूल समय है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप बहुत आसानी से एक बहुत ही छोटे उपाय से इन 15 दिनों में आप अपने जो कुंडली में पितृ दोष है उसका निवारण कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं है। देखिए, मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता रहा हूं जो आपके परिवार में या आपके घर में होते होंगे, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे कि आपके घर में या आपके ऊपर कोई पितृ दोष है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे होने में प्रॉब्लम जाती है, यानी जो विवाहित जोड़े हैं उनके घर में संतान नहीं होती, यानी कुल मिला के उनका जो वंश आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, बार बार मिसकैरेज होता है, बार बार प्रॉब्लम जाती है जिसके कारण बच्चा नहीं हो पाता है। ये पहला रीजन है। दूसरा है कि आपके बच्चों के या आपके खुद के करियर में उतनी सफलता आपको नहीं मिल पाती जितनी कि आप मेहनत करते हो, ठीक है। धन संबंधी, क्योंकि करियर अगर ठीक नहीं है तो धन संबंधी प्रॉब्लम जाएगी, तो धन संबंधी प्रॉब्लम भी आपको रहेगी अगर पितृ दोष है। तो मान लीजिए आपकी संतान है लेकिन संतान जो है वो अच्छी नहीं होगी, इट मीन्स वो उनका करियर अच्छा नहीं बन पाएगा या उनको प्रॉब्लम होती रहेगी कुछ ना कुछ, तो इस प्रकार यानी संतान संबंधी दुख आपको उठाना पड़ सकता है अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है। तो कोर्ट कचहरी के काम में आप फंसे नजर आओगे, साथ ही आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मेरा हो जाएगा लेकिन इन वक्त पे कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसके कारण वो काम नहीं हो पाएगा। घर में बिना वजह की कलह उत्पन्न होती रहेगी, ये भी जबकि कोई रीजन नहीं है, फालतू में अनेक बिना रीजन के कोई ना कोई कलह होगी घर में, वाद विवाद होगा। साथ ही अगर आपके घर में कोई विवाह योग्य लड़का या लड़की है तो उनकी विवाह के में भी बहुत ही प्रॉब्लम जाएगी, मतलब रिश्ते बहुत आएंगे लेकिन वो बनेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बात होके वो बिगड़ जाएंगे, यानी बार बार रिश्ते आएंगे लेकिन वो संपन्न नहीं हो पाएंगे, वो रिश्ता जो है वो विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, बहुत बार ऐसा होगा। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके घर में है या किसी के भी घर में है, भगवान ना करे आपके घर में ये प्रॉब्लम हो, लेकिन किसी के घर में भी अगर ये प्रॉब्लम है तो समझ जाइए कि आपके घर में पितृ दोष है या आपके ऊपर पितृ दोष है। तो इस 15 दिन में आप इस पितृ दोष का निवारण कर सकते हो और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय जो है वो इस 15 दिन लगातार आपको करना है और मुश्किल से 5 मिनट का काम है, ऐसा नहीं कि मैं घंटे भर का आपको बता रहा हूँ और ना ही बहुत महंगा कुछ, बहुत ही मैं तो कह रहा हूँ बिना पैसे का उपाय आपको बता रहा हूँ और ओनली 5 मिनट आपको डेली देना है 15 दिन तक। ये जो पितृ जो पक्ष चल रहा उसी के दौरान आपको ये करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये प्रयोग है क्या और किस तरह से किया जाता है। तो देखिए उपाय क्या है, उपाय बहुत आसान है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में जल भर लेना है और जल भरकर आपको अपने जो पूजा घर है वहां पर बैठ जाना है, या आप चाहें अगर आपके घर के सामने कोई बाग बगीचा हो, कोई गार्डन हो, तुलसी का पेड़ हो या कोई भी पौधा हो तो उस पौधे के पास जाकर आप बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको संकल्प करना है। देखिए संकल्प करना इन चीज़ों में बहुत जरूरी है, वैसे तो हर पूजा के अंदर संकल्प करने का विधान है लेकिन इस तरह की जब पूजा आप करते हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेने से क्या होता है कि उसका प्रभाव बढ़ जाता है, जो हमने पूजा की है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए संकल्प जरूर लें। संकल्प में आपको क्या कहना, अगर आप संस्कृत आपको आती है तो संस्कृत में ले लीजिए, अदरवाइज आप हिंदी में भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में आपको बोलना क्या है कि आज मैं देवताओं का, सप्त ऋषियों का, दिव्य मनुष्यों का और मेरे पितरों का तर्पण करने जा रहा हूं, तो आप सभी पधार कर मेरे तर्पण को स्वीकार कीजिए। बस इतना सा आपको बोलना है, वैसे संस्कृत में ये एक अच्छा खासा है लेकिन आप इतना भी बोलोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे, संकल्प लेने के बाद फिर आपको अपनी विधि जो मैं बता रहा हूं उसको आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि तर्पण जो है वो स्टेजेस में किए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट अगर आप पिता का या पिता तुल्य किसी इंसान का अगर तर्पण कर रहे हो तो वो सबसे पहले करना है। दूसरे नंबर पे आता है दादाजी या दादा तुल्य कोई इंसान का अगर आप तर्पण करें तो सेकंड नंबर पे आता है,
और थर्ड नंबर पे होता है परदादा या परदादा तुल्य इंसान का अगर आप तर्पण कर रहे हो तो वो तीसरे नंबर पे होता है, यानी पहले आप पिता का, दूसरे नंबर पे होता है दादाजी और तीसरे नंबर पे होता है परदादा। इसी टाइप से आप अगर स्त्री के करते हो, जैसे कि आप माता का करते हो तो पहले माता का, फिर आपकी दादी दादी का और फिर आपकी परदादी का, इस प्रकार से उनका तर्पण किया जाता है, ठीक है। और जो पिता होते हैं उनको हम वसु रूप बोलते हैं, उनका रूप यानी कि जो जो पितृलोक में जो वो रहते हैं उनको वसु रूप में जाना जाता है। दादाजी जो होते हैं उनको आप रुद्र रूप में जाना जाता है, और जो परदादा होते हैं उनको आदित्य रूप में जाना जाता है। कहाँ पर? पितृलोक में, जहाँ पर वो रहते हैं, क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए हैं तो अब वो वहाँ जहाँ वह रह रहे हैं उनका पता मैं आपको बता रहा हूँ किस नाम से वो वहाँ पे जाने जाते हैं। पिता जो है वो वसु रूप में, दादाजी जो है वो रुद्र रूप में, और परदादा जो है वो आदित्य रूप में जाने जाते हैं। इसी टाइप से अगर माता की बात करें तो माता वसु रूप में, दादी की बात करें दादी जो है वो रुद्र रूप में, और परदादी जो है वो आपकी आदित्य रूप में जानी जाती है, ठीक है। देखिए मैं अब आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। अब आपको तर्पण देना स्टार्ट करना हो, कैसे करेंगे? आप सबसे पहले अपना ये सीधा हाथ जो है वो इस टाइप से लेंगे, और दूसरे हाथ में जो लोटा रखा है जिसमें जल भरा हुआ है उस जल को आप इसमें डालेंगे अपने हाथ में, और इस टाइप से आगे की तरफ इस टाइप से छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो हाथ का ये वाला पार्ट जो होता है, हाथ के जो अग्रभाग होता है उससे देवताओं को तर्पण दिया जाता है। तो हमने इस टाइप से देवताओं को एक बार आगे की तरफ पानी को डाला, ये आपका पहला तर्पण हुआ, किसके लिए? देवता के लिए। दूसरा तर्पण हम करते हैं जो सप्तऋषियों के लिए करते हैं, सप्तऋषियों के भी सेम होता है जैसे कि देवता का होता है। फिर से हमने ऐसा हाथ लिया, जो लोटा रखा उससे हमने एक बार इधर डाला और फिर सामने की तरफ एक बार छोड़ दिया, तो दोनों ही यानी सप्तऋषियों के लिए भी और देवताओं के लिए भी आगे की तरफ एक बार जल को छोड़ना है, ठीक है। ये आपके दो हो गए, एक तो हो गया देवताओं के लिए, एक हो गया सप्तऋषियों के लिए। अब हम करते हैं तीसरा दिव्य पुरुषों के लिए। दिव्य पुरुषों के लिए करने के लिए फिर से आप इसी प्रकार से हाथ लेंगे, ये जो लोटा में पानी है उससे पानी डालेंगे, इसके बाद जो आप डालेंगे किस टाइप से डालेंगे? ऐसे तरह से, यानी आपका जो हाथ का ये वाला पार्ट है इस पार्ट से पानी को नीचे गिरना है, जल को नीचे गिरना है, ठीक है। तो आप इस टाइप से नीचे डालेंगे, अब नीचे आपने कुछ रख रखा होगा उसमें पानी चला जाएगा, या पौधे में अगर आप कर रहे तो पौधे में पानी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दो बार आपको करना है, एक बार किया इसका फिर से आपने पानी लिया, और पानी लेके फिर से आपने इस टाइप से डाल दिया, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ डालना है, राइट हैंड से करना है और लेफ्ट हैंड की तरफ पानी जाना चाहिए, ठीक है। दो बार करना है आपको, किसके लिए? जो दिव्य पुरुष है उनके लिए आपको दो बार करना है, देवता के लिए एक बार, सप्तऋषियों के लिए एक बार, लेकिन दिव्य पुरुषों के लिए दो बार इस तरह से, इस तरफ से पानी को गिरना चाहिए, यानी अपने राइट हैंड में पानी लेके लेफ्ट हैंड की तरफ आपको पानी को नीचे डालना है, ठीक है। ये हो गया आपके किसके लिए? दिव्य पुरुषों के लिए। अब आपको उस पानी में काले तिल डाल लेना है। देखिए अभी हमने तीन जो करा उसमें काले तिल नहीं डाले थे, अब हमने क्या करा कि काले तिल डाल लिए, किसके अंदर? वो जल जो रखा था उस जल में काले तिल डाल दिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ज्योतिष में भी ऐसा है कि काले तिल जो होते हैं वो नेगेटिविटी को दूर करते हैं, इसलिए हम इन तरह की जो प्रक्रिया होती है, इस तरह के जो उपाय होते हैं उसके अंदर काले तिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसमें अब काले तिल डाल दिए, पहले तीन बार भी हमने काले तिल नहीं डाले थे, अब उसमें हमने काले तिल डाल दिए। काले तिल डाल के अब हम किसका कर रहे हैं? हम हमारे पितरों का तर्पण कर रहे हैं, तो इसलिए फिर से हमने हाथ में इस टाइप से हाथ किया, वो काले तिल वाला जो पानी है, काले तिल वाला जो जल है वो अपने हमने हमारी जो पाँव है उसके अंदर लिया, और अंगूठा और ये मेन उंगली है इस तरफ से, यानी ये वाला जो गैप है इस जगह से पानी को नीचे गिरना है, ठीक है। तो हमने हथेली में पानी लिया, जल लिया, कौन सा जल? जिसमें तिल मिला हुआ, काले तिल मिले हुए, और इस टाइप से डाल दिया, फिर हमने लिया, फिर इस टाइप से डाल दिया, फिर लिया और फिर इस टाइप से डाल दिया, यानी तीन बार इस प्रक्रिया को आपको दोहराना है। इस वाली लास्ट वाली को तीन बार, पहले और दूसरी वाली को एक बार, तीसरी वाली को दो बार करना है, और जो फोर्थ नंबर है जिसमें पितरों को तर्पण कर रहे हैं वो आपको तीन बार करना है, और आपके अंगूठे की साइड से इधर की तरफ यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड में आपको डालना है। जो दिव्य पुरुष है उनके लिए आपको लेफ्ट हैंड में दो बार डालना है, और जो आपके देवता है और सप्तऋषि उनको सामने की तरफ एक एक बार डालना है। इस तरह से आपने तर्पण कर दिया। तर्पण करते समय आपको ध्यान भी करना है, आपको प्रार्थना भी करना है कि हे पितर देवता, आप पितृलोक से पधारकर मेरे द्वारा दिया गया जो तर्पण है उसको स्वीकार कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रार्थना भी करते जाएंगे और ऐसे डालते भी जाएंगे। देखिए मान लीजिए, अब मैं आपको एक पर्टिकुलर बताता हूँ, ये तो मैंने प्रक्रिया बता दी, अब मैं सपोज करिए कि आप अपने पिता का तर्पण करना चाहते हैं, किसी का भी, मैं भी पिता का बता रहा हूँ, फिर बाकी के भी बता दूंगा आपको।
मान लीजिए आप अपने पिता का तर्पण करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऐसे हाथ लेना है, उसमें वो तिल वाला जो जल है वो डालना है। अगर आप पिता का कर रहे हो तो तिल वाला जल डालना है। तिल वाला जल डालने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, फिर उसका हिंदी भी आपको बता दूंगा। तो पहले मंत्र क्या बोलना है, मंत्र बोलना है, अमुक गोत्र अस्मित पिता अमुकाय वसु रूप स्त्रित मिता तिलोदनम तस्मे सुधा नमा तस्मे सुधा नमा तस्मे सुधा नमा। ये मंत्र आपको इस प्रकार से बोलना है। देखिए अभी मैंने जो मंत्र बताया था वो पिता के लिए बताया था, इसी प्रकार से दादाजी के लिए भी, परदादा के लिए भी, माता के लिए भी, दादी के लिए भी, और आपकी पितामही के लिए, सभी के लिए, जो परदादी जिसको बोलते हैं, परदादी, तीनों के लिए मैं मंत्र सामने दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे। तो ये सारे मंत्र लिखे, इस मंत्र को आप जिनके लिए भी कर रहे हो उनके लिए मंत्र बोल सकते हैं। यहाँ पे छह मंत्र मैं दे रहा हूँ। पहला मंत्र जो है पिता के लिए है, दूसरा मंत्र जो है वो दादाजी के लिए है, तीसरा मंत्र जो है वो परदादा के लिए। इसी प्रकार जब चौथे मंत्र पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको माता का मंत्र मिलेगा। इसके बाद जो पांचवें नंबर पे है वो आपकी दादी जी का मंत्र है, दादी के नाम पे जब आप करते हैं, और जब लास्ट वाला है वो परदादी के लिए। तो छह मंत्र है, इन मंत्रों को आपको बोलना है। अगर मंत्र नहीं बोलना चाहते हैं तो हिंदी में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं अपने पिता का तर्पण कर रहा हूँ तो मुझे हिंदी में कैसे बोलना है। मेरे पूज्य पिताजी जो कि शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, जिनका नाम श्री राधेश्याम तिवारी है, जो कि इस समय वसु रूप में पितृलोक में निवास कर रहे हैं, कृपया आप पधार कर मेरे इस तर्पण को स्वीकार कीजिए, संतुष्ट होइए और मुझ पर तथा मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इस प्रकार आपको बोलना है अगर आप पिता के लिए कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको बाकी में चेंज क्या करना है, चेंज में सिर्फ नाम का चेंज करना है, यानी दादाजी के लिए बोल रहे हैं तो आप दादाजी का नाम लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए दादाजी का कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मेरे पूज्य दादाजी जो कि शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुए हैं तथा जिनका नाम रामकिशन है, मैंने अपने दादाजी का नाम ले लिया, जो कि रुद्र रूप में पितृलोक में निवास कर रहे हैं, क्योंकि दादाजी के लिए क्या करते हैं, रुद्र रूप। ठीक है, अगर इसी जगह परदादाजी परदादा की बात करें तो भी परदादा का नाम आ जाएगा, और जो रुद्र रूप है उस जगह पे आदित्य रूप आ जाएगा, बस इतना सा अंतर है, बाकी सेम चलेगा। इसी टाइप से माँ, दादी और परदादी के लिए भी कर सकते हैं। माँ जो होगी वो वसु रूप के लिए बात करेंगे, जो दादी होगी वो रुद्र रूप के लिए बोलेंगे, और जो परदादी होगी उनको हम आदित्य रूप के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हिंदी में भी कर सकते हैं, और हिंदी का भी उतना ही महत्व है जितना कि संस्कृत का, क्योंकि सभी लोग संस्कृत नहीं जानते और सभी लोगों के पास पंडित उपलब्ध नहीं होते। तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, कोई पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते, मतलब आपकी इतनी शक्ति नहीं है कि आप पंडित बुला के करें, तो खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पंडित बुलाना ही जरूरी है। तो इस प्रकार से आप हिंदी में भी करके आप अपने जो पूर्वज है उनका तर्पण कर सकते हो। आप चाहते हैं कि आप अपने किसी और का तर्पण करें, मैंने अभी छह लोग का बताया, आप किसी का भी तर्पण करना चाहते हो और मान लो उनका गोत्र नहीं मालूम है आपको, तो भी आप सबका एक साथ बोल सकते हो, मैंने पितर का नाम लेके भी आप बोल सकते हो। वैसे तो जो पुस्तक है उसके अंदर हर इंसान के लिए अलग अलग लिखा, आपकी पत्नी के लिए अलग लिखा, आपकी बहन के लिए अलग लिखा, आपकी बेटी के लिए अलग लिखा, सबके लिए अलग अलग मंत्र है। लेकिन मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट पितर बोल के भी आप काम चला सकते हो, यानी सभी उसमें सभी लोग आ जाएंगे। आप चाहे कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए बोलना चाहे, क्योंकि हमारे धर्म में तो वसुंधरा कुटुंबकम बोलते हैं, तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने अपनी पूरी दुनिया में जितने लोग भी अभी तक स्वर्ग सुधार गए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर आप तर्पण करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, इसी प्रकार बिना नाम लिए कर सकते हैं। अब आपने तर्पण कर लिया है, तर्पण करने के बाद अगर आपने घर के अंदर तर्पण किया है तो जो पानी आपने कहीं डाला होगा, इकट्ठा किया होगा किसी टब में या किसी चीज में भी, वो पानी को अब आप बाहर जाके किसी पौधे में या तुलसी में कहीं पर भी उसको डाल सकते हो। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया मैंने बताई, जो आपको शायद है कि बहुत लंबी प्रक्रिया लगी होगी, लेकिन ये मुश्किल से 5 मिनट की भी नहीं है जब आप करने बैठोगे, क्योंकि कोई बड़ा काम तो है नहीं। जो मैंने क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, जब आप करोगे तो ये 5 मिनट से भी कम टाइम में ही हो जाएगा। और अगर आप खुश रहना चाहते हो, आप अगर अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हो, तो क्या आप 15 दिन के लिए 5-5 मिनट नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि इन 15 दिनों में आप ये उपाय को जरूर कीजिए, इससे आपको 100% सफलता मिलेगी और वो सफलता आपको दिखेगी भी।
आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये जो उपाय है वो आपको अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करें। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको जा रही है या इसको समझ में अच्छे से नहीं आया है, मैंने तो पूरी कोशिश की है लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नवीश के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।